डॉक्टर साहब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? बात तो यकीनन टेंशन वाली है। इन्होंने किसी बात का गहरा सदमा लिया है। कोशिश करें कि इनको मजीद परेशानी से बचाया जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको कुछ मेडिसिन लेके दे रहा हूँ, वो आप इनको बाकायदगी से खिलाएं, और अगर फिर भी कोई परेशानी वाली बात हो तो मुझे कॉल करें, मैं आ जाऊँगा। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर से छोड़ दूँ। अल्लाह हाफिज। अभी तक फोन बंद है उसका। तो क्या करें, किसी से पता भी नहीं कर सकते, पूछ भी नहीं सकते कहां चली गई। अम्मी आप मुझे सब कुछ सही से बताएं, आपकी किरण से बात तो हुई होगी कि वो क्या चाहती है। अगर आप जानती थी कि वो कितना सीरियस है तो आपने उसकी बात क्यों नहीं मानी? कम से कम ये जिल्लत तो ना देखनी पड़ती हमें। मान लेती उसकी बात। बेटा मैं तो समझ रही थी कि वो ऐसे ही जिद कर रही है, मान जाएगी। मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा कदम उठानेगी। तुम तो जानते हो बेटा, अमान किसी तरह भी उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो ये अब सब कुछ हो रहा है ना अम्मी, ये हम में से किसी के लिए भी ठीक नहीं है। या अल्लाह, होने से पहले आ जाए, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मतलब है मियां आपका? वो सारी रात बाहर गुजार के सुबह घर वापस आ जाए और हम लोग उसे? नहीं बिल्कुल नहीं, वो अब इस घर में वापस नहीं आ सकती। जो एक बार चली गई सो चली गई। अपने बाप की हालत देखी है तुमने? पता नहीं क्या होगा। उसका फोन करो, किरण को दोबारा उससे कहो, एक बार वापस आ जाए। जो कहेंगे हम मान लेंगे, जिससे कहेंगे अमान से कहेंगे हम उससे उसकी शादी कर देंगे। मुझे तो आप पर हैरत हो रही है। अगर आपने यही सब कुछ करना था तो उसे मना क्यों किया आपने? मान लेती उसकी बात। बेटा माँ बाप तो अपनी औलाद का भला ही सोचते हैं ना, कौन वालदेन चाहेंगे कि उनकी औलाद खुदकुशी करे। अरे तुम रोशनी को फोन करो, उससे पूछो वो कहाँ गई है, कहाँ चली गई। वो वहां नहीं है। अगर वो वहां होती तो आप ही उसे खुद वापस ले आती यहाँ, या कम से कम हमें फोन करके बता तो देती। फिर कहाँ चली गई, कहाँ चली गई है ये? जहन्नुम में। कहाँ माल? तुम्हारे घर और कहाँ? लेकिन याद है ना हमारी कमिटमेंट हुई थी, हम निकाल के बाहर अपने अपने घर चले जाएंगे और तुम्हारे घर वाले मजबूर हो जाएंगे हमारी शादी कराने के लिए। लेकिन अमान मैं घर कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी। तुम, वो लोग सारे, वो सब क्या? कोई कुछ नहीं कहेगा, और ये भी तो हो सकता है कि उन लोगों को अभी तक पता ही ना हो कि तुम घर पे नहीं हो। और ये जरूरी है करना, किसी तरह से तो वो हमारी शादी कराएंगे। मैं नहीं जा सकती अमान, मुझे अपने घर भेज, अपने घर जाने का सोच भी नहीं सकती। तो ये तो तय हुआ था ना कि हम निकाह करके अपने अपने घर जाएंगे, और उसके बाद? और अगर तुम नहीं आए तो? अगर मुझे ये सभी करना होता तो मैं इतना बड़ा कदम क्यों उठाता? तुम खामखा में इतनी टेंशन ले रही हो,
तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फौरन लेने आ जाऊँ, लेकिन फिर वक्त तुम्हें अपने घर जाना। तो अभी क्यों नहीं अमान, अभी क्यों नहीं ले जा सकते हो मुझे? अमान मैंने तुमसे शादी की, इतना बड़ा कदम उठाया तुम्हारे लिए। तो अब तुम मेरे ही कहने पर दूसरा कदम भी उठाओ? खामोखा की जिद मत करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। मैं तो तुम्हें रुखसत करवा के इज्जत से अपने घर लाने की बात कर रहा हूँ। तो चलो शाबाश, अब जिद नहीं करो, मुझे सुबह होने से पहले तुम्हारे घर छोड़ना है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वालों को, मोहल्ले वालों का सवाल जवाब का सामना करना पड़े। चलो मैं बैग लेके आती हूँ। कर दिया, राहिल मेरी बात सुनो, राहिल समझने की कोशिश करो। राहिल राहिल जितना कसूर इसका है उससे कहीं ज्यादा कसूर तेरी बहन किरण का है। वो इस घर से भाग कर गई है, उसे किसी ने अगवा नहीं किया। तुम्हारा शुक्रिया बरखुरदार, तुम उसे घर लेकर आए। अगर उसे घर ना ले आते तो क्या होता? अब तुम अपने घर वालों को हमारे यहां भेजो रिश्ते के लिए, हम रिश्ता कबूल कर लेंगे। जलील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं, जाओ तुम सब जाओ, मुझे बात करने दो इससे। जाओ, सुनो नहीं, जाओ। चलो किरण ने जो कदम उठाया इंतहाई घटिया और अखलाक से गिरा हुआ कदम उठाया। ना तो मैं ये कभी भूल सकता हूं और ना ही मैं कभी तुम दोनों को माफ करूंगा। मैं आपसे माफी चाहता हूं अंकल, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि कोई हमारी बात समझे, किसी ने हमारी बात नहीं समझी। यहां तक कि मैंने मशीन से भी बात करने की कोशिश की। जब तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं तो क्या जरूरत थी खाक अपने सर में डालने की? आई एम सॉरी अंकल, हम दोनों ने ऐसा कभी भी नहीं चाहा कि हम दोनों भाग के शादी करें। अगर ऐसा होता तो हम कभी इस घर में वापस थोड़ी ना आते। अभी आप ही ने तो कहा था कि आप सबकी रजामंदी से शादी होनी चाहिए, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारे घर वालों की रजामंदी हो। अगर आप इजाजत दें तो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज देता। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं, भेज देना अपने घर वालों को। और अंकल हो सके तो इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा कि
मैंने किरण से निकाह कर लिया, क्योंकि वो मेरे घर वालों को पता चला ना तो शायद वो इस शादी से इनकार कर दें। ठीक। और हाँ, रोशनी से तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो अगर हसाम को पता चल गया ना तो वो मेरे घर वालों को बता देगा और शायद वो फिर शादी से इनकार कर दे। ठीक, इसमें भी उसकी कोई चालाकी। जरा सोचे तो सही, क्यों मना कर रहा है वो कि हम उसके घर वालों को ना बताएं? इसलिए कि जब उन्हें पता चलेगा तो क्या समझेंगे? वो यही समझेंगे ना कि हमने उनके बेटे को फंसाया। तो और क्या करें, हम क्या करें? किरण ने जो कुछ किया है मजबूरन हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। मैं नहीं मानती, कम अज कम उसके घर वालों को जरूर बताना चाहिए कि उनका बेटा क्या गुल खिलाता फिर रहा है। उसके घर वाले उसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं अम्मी, उसकी हरकतें किसी से छुपी नहीं हुई। अगर पट्टी बंधी हुई तो सिर्फ किरण की आंखों पर। अब हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते बाबू, उसने हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वो अकेली इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, तुम्हारी जुनैरा इसमें शामिल है, पता नहीं कौन कौन शामिल है। मेरी इस घर में कोई सुनता का? अगर तुम लोग सुनते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। खुदा का खौफ करो सरा बेगम, क्या बात की जा रही? उस बच्ची ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कितनी कसमें उठाई, हमें उसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ये बात अभी सबसे छुपानी होगी, रोशनी से भी। अगर उन लोगों को पता चल गया तो हो सकता है वो जिद में आकर किरण को कबूल करने से इनकार कर दे। या अल्लाह, ये कैसा अंधेर है, कैसा इंसाफ है। औलाद की खातिर कभी किसी को इतना जलील होते हुए नहीं देखा। तीन औलादें दी तूने और तीनों की खुशियां देखना नसीब ना हुई। अजरा बेगम, तुम्हारा दुख अपनी जगह से है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। क्या कर? दिल तो चाहता है कि अभी बाजू से पकड़कर तेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दूं।